हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं प्रेम सागर। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S10 में दोस्तों बहुत से ऐसे फीचर्स चेंजेस देखने को मिले हैं। पहले से ही बहुत कुछ चेंजेस इसमें देखने को मिल रहे थे। ऐसे में दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S10 अपने एंड्रॉयड 10 1 UI 2.0 बीटा के अपडेट के साथ दोस्तों सबसे अहम खास और सबसे अहम चेंजिंग तो दोस्तों इसमें देखने को मिला है फेस रिकग्निशन फीचर्स को लेकर। ऐसे दोस्तों इसकी बहुत से सारे फीचर्स चेंज हुए हैं, लेकिन दोस्तों फेस रिकग्निशन जैसे फीचर्स में बहुत ही अहम खास फीचर्स को लेकर चेंज हुआ है। क्योंकि दोस्तों इस फीचर के चेंजिंग के साथ दोस्तों आपको जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वो दोस्तों सिक्योरिटी में दोस्तों बहुत ही देखने को मिला है। जैसे कि आपकी फोन की सिक्योरिटी बहुत लेवल बहुत अच्छी सी पड़ गई है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें इस फेस रिकग्निशन के, जिसे हम ऐसे दोस्तों हम पहले इसे तो बुलाते हैं अल्टरनेटिव लॉकिंग सिस्टम, यानी कि दोस्तों ये पहले हम लोग को बोलने के शब्द है अल्टरनेटिव लॉकिंग सिस्टम। यानी कि इस सिस्टम में दोस्तों आपको देखने पहले क्या मिलता था कि जैसे कि आप दोस्तों जैसे कि आप पहले आप फेस अनलॉक जैसे सिस्टम इसमें रखते थे तो दोस्तों आपके चेहरा चेंजिंग में देखने को मिलता था, फिर भी ये अनलॉक जैसे सिस्टम हो जाता था। सबसे खास बात ये है दोस्तों आपको अब ये सिस्टम में अब ऐसे दोस्तों चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आईज को कनेक्टेड ज्यादा ही इंपॉर्टेंट दे दिया है। पहले की दोस्तों ये था कि इसमें आईज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता था फेस अनलॉक में, वैसे आपकी आईज क्लोज रहती थी फिर भी आपका फोन अनलॉक जैसे सिस्टम हो जाता था, जिससे आपको बहुत ही आपकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। कभी आप सोए रहते थे, आपके घर में किसी फोन या दोस्तों कोई भी यूज करता था तो दोस्तों आपके फेस से अनलॉक सिस्टम करा सकता था। बट दोस्तों इस सिस्टम में ऐसा नहीं है, अब ऐसे इस चीज को अब ऐसा नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों आपको बात करूं अल्टरनेटिव सिस्टम में जो फेस अनलॉक जैसे सिस्टम है, जैसे कि दोस्तों इस अपडेट के साथ 1 UI 2.0 बीटा अपडेट के साथ आपको देखने को मिला है दोस्तों सबसे खास फीचर चेंजिंग इसी में देखने को मिला है। जैसे कि दोस्तों आप कभी भी कैसे भी अपने फोन को जब लॉक करते हैं तो दोस्तों आपको जब लॉक करने के बाद आप फेस अनलॉक जैसे वेरिफिकेशन अपना कर देते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों फेस अनलॉकिंग के सिस्टम का वेरिफिकेशन होने के बाद आप जैसे चेहरा चेंजिंग में देखने को मिलेगा दोस्तों आपके लिए जब उस समय भी इसको वेरिफिकेशन करेगा अनलॉक करते वक्त। दोस्तों सबसे खास बात ये रही कि दोस्तों आपकी आईज क्लोज रहेगी तो ये फोन आपका अनलॉक नहीं होगा, यानी कि दोस्तों आपके फोन को अनलॉक करने के लिए आपकी आईज ओपन होने की बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपकी रेटिना से लेकर ही इसे सबसे अधिक दोस्तों आप वहीं से इसे पहचान आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आपको होता है कि कभी हर किसी के चेहरा हर दिन थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों जैसे कि मेरा देखे अभी जब मैं फेस अनलॉक करूँ तो दाढ़ी नहीं है, जैसे आपकी उसमें दाढ़ी आ जाएगी तो दोस्तों थोड़ा इसको पहचानने में दिक्कत है। लेकिन दोस्तों जो आईज होता है उस आईज को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती, इससे दोस्तों बहुत आसानी से अनलॉक जैसे ऐसे सिस्टम हो जाता है। सिस्टम को लेकर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन अपडेट इस कहेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे इस S10 में दोस्तों बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिला है। बट दोस्तों हमको सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा अपडेट चेंजिंग देखने इसमें मिला है, क्योंकि दोस्तों कॉलिंग सिस्टम को लेकर वॉल्यूम रॉकर को लेकर थीम्स को लेकर यहाँ तक डार्क मोड लेकर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों जो सिक्योरिटी लेवल की होती है चेंजिंग दोस्तों वो सबसे बेस्ट चेंजेस इसमें देखने को मिला है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके आप लोग किसको कितने लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन कराए थे इस सभी के लिए, जो अपना अपडेट्स के लिए एंड्रॉइड 10 1 UI 2.0 बीटा के अपडेट्स के लिए कितने लोग रजिस्ट्रेशन कराए थे और दोस्तों कितने लोग को ये अपडेट्स मिल चुका इस फीचर्स का बेनिफिट उठा रहे हैं। फिलहाल आपको दोस्तों बता दूं कि ये दोस्तों ये इसके होम टाउन साउथ कोरिया US जर्मनी जैसे कंट्री में ये अपडेट्स चल रहा है जो बीटा टेस्टिंग का है। दोस्तों बाकी कंट्री में दोस्तों वेट है हमें कि ऑफिशियली कब घोषित किया जाएगा बाकी कंट्री में, कब तक भर में इसे अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप लोग US और जर्मनी से रिलेटेड है तो दोस्तों कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आप लोग इंडियन यूजर्स हैं तो आप भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे आपको दोस्तों इसी तरह का अपडेट पाते रहना है तो इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि दोस्तों हम हमेशा सैमसंग गैलेक्सी S10 या दोस्तों S10 सीरीज या दोस्तों आपके डिवाइस जो फोन इसके सिवा अभी यूज करते हैं जैसे OnePlus Realme जैसे फोन डिवाइस यूज करते हैं उसके लिए भी अपडेट लगातार लेके मैं आते रहता हूं। ऐसे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग को ये अपडेट्स मिल चुका है, आप लोग को दोस्तों इस अपडेट्स में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है ये भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को सारी बातें सारे फीचर सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया, और अभी भी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का अपडेट से रिलेटेड वीडियो पाते रहने के लिए भी चैनल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके हम फोनों से रिलेटेड अपडेट लगातार वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।